ख्वाब टूटे मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये स्लोगन फिट बैठता है। आज से कुछ दिन पहले एक्सप्रेसवे आगरा पर 29 जान बचाने वाले बस हादसे में 29 जान बचाने वाले निहाल सिंह बघेल आज हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह की विभत्स घटना, जिस तरह का एक दर्दनाक घटना वो हुई, उसके बारे में किस तरह का उनका पूरा एक्सपीरियंस रहा था। निहाल सिंह, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किस गांव से हैं आप, कौन सा गांव आपका है? मेरा गांव चौगान की ठार, प्रेमनगर चौगान ठार बोलते हैं। अच्छा, कहाँ, कितने बजे की घटना थी उस दिन की? वो जी 4:20 की घटना थी। अच्छा। उस टाइम में मैं मतलब थोड़ी पास में ही था, बस पानी में गिरी, आवाज़ हुई, मैं दौड़ के गया। अच्छा। दौड़ के जाके मैंने देखा दो लोग बस थे, मतलब अलग थे, वो मैंने पहले खींचे। निकल के आए थे दो लोग, निकल के बाहर पहले बस से बाहर गिरे थे, पता नहीं कैसे गिरे थे। अच्छा। हाँ, मैंने दोनों लोगों को बाल लगाला, मतलब एक के पास मतलब थोड़ा भीज तो गया ही, दोनों लोग भीज तो गए ही थे, थोड़े उसका फोन तो नहीं भेजा तो उन लगा लिया ना। क्या कह रहे थे वो लोग आपसे दोनों? मतलब घबरा रहे थे, हमको बचाओ बचाओ, वही कहानी है, हमको बचा लो, अच्छी बात है। कैसी स्थिति में थी जब गिरी थी? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब देखी नहीं जा रही थी उस टाइम तो, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उसमें। मैंने तो ये सोचा उनमें सारे लोग तो मतलब मर चुके होंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे लोग अंदर से, क्या आपको बुला रहे थे, किस तरह से? बोले भैया मेरे को बचा ले, मैं तेरा भैया हूँ ना, दो उसमें और मैं तेरी बहन हूँ, मेरे को बचा ले। वही कहानी थी बचाने की। मैं काफ़ी उसमें लगा रहा, मैंने किसी की जान बचाई तो अच्छी बात है। घर वाले मन जो कहें छावासी तो मतलब देंगे लेकिन अच्छा कहें। लेकिन आपने सबसे पहले पुलिस को अवगत कराया, फिर गांव वालों को किस तरीके से बुलाया, कैसे आप पे फ़ोन था उस समय? पहले मेरा अपना नंबर मेरे को याद था, मैंने फ़ोन किया, वो मेरा फ़ोन घर पे ही था, भैया ने उठाया सो मैंने ऐसे बोला बस पानी में गिर पड़ी, अपने घर मेरे पास में ही है। फिर मैंने रोन से थोड़ी साइड में आकर रोन से मैंने आवाज़ दी, मैंने भाग किया, बस मैंने पानी में गिर पड़ी है। घर वाले थोड़ी दूर है, थोड़ी मैंने थोड़ी लेट आए, और 5-6-7-8 लोग मैंने लगा लिए बस में। अच्छा, 6-7 लोग आप निकाल चुके थे। हाँ। तो कुछ उसमें मृत्यु भी हो गई थी कुछ लोगों की जब तक? मैं तब पानी में घुसाता था, तब किसी ये मतलब एक ही दो आदमी मरे थे और आदमी फड़फड़ा रहे थे उसमें, बहुत भयंकर रूप था। आपको डर नहीं लग रहा था उस समय कि मैं अकेला हूँ और ये इस हालत में है, तो कैसा उस समय कितना आपको दर्द हो रहा था? सर मैं तो पहले इस घटना से पहले एक बाग जो हूँ, पहले वहाँ पर बस पलट गई थी। पहले कब? उससे पहले भी एक हाथ? हाँ, वो हिमाचल वाली बस्ती ना, वो बच्चों वाली, मतलब दो बस्ती, मतलब एक में लड़कियाँ थी एक में लड़के थे, बहुत वो भी बस हम उस बस को देख रहे थे, मतलब साठ अपने खेतों में थे, बस देख रहे थे, थोड़ी बस पलटी, बहुत स्पीड में पहली तरफ पलटी, कोने से उल्टी तरफ सड़क चली आई। अच्छा, उसमें कितने लगभग बच्चे थे हिमाचल की बस में? ऐसे उसमें 50-52 बच्चे थे। अच्छा, तब भी आपने मदद की थी वहाँ पे? हाँ, तब भी मैंने मतलब शीशे बोल उसकी मतलब नीचे एंगल होती है, एंगल टूट के अलग गिर पड़ी थी, उसी एंगल से मैंने शीशे फोड़े थे पहले भी। एक साल पहले। हाँ। अच्छा, जब आप लोगों को निकाल रहे थे तो अंदर का आपने देखा होगा नज़ारा, अंदर का बस का नज़ारा क्या था पूरा? बस का नज़ारा सर बहुत भयंकर रूप में था। हाँ। इतना भयंकर था, मेरा मतलब थोड़ा सहन तो नहीं हो रहा था, फिर मैं मतलब आग में लगा हुआ पड़ा हुआ था। हाँ। मतलब अपनी मतलब मेरी हिम्मत मतलब काम तो नहीं कर रही थी, फिर अपने जोश दोस्त मतलब लगा हुआ था, मैंने किसी जान बच जाए मेरी अच्छी बात है। लोगों की चीख पुकार कैसे, किस तरह से चीख रहे थे लोग? शायद आप किसी एक को निकाल रहे होंगे तो दूसरा कैसे, क्या कहे? मतलब दूसरा मेरे एक को लगा लेता, दूसरा मेरे को हाथ पकड़ा, भैया मेरे को भी लगा लो, भैया मेरे को भी लगा लो। अच्छा, इस तरीके से फंसे हुए थे? बहुत ज़्यादा फंसे हुए, एक के ऊपर एक था बस में, बहुत भयंकर रूप था, मतलब अब कहने में और तो समझने में मतलब बहुत ही ज़्यादा था, दर्दनाक बहुत था, मतलब एक। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बच्चे और शायद जवान लड़की, किस तरह के लोग उसमें थे?
सर उसमें तो मतलब आदमी कमजोर तो कोई नहीं था, थोड़े उष्ट पुष्ट, हाँ कोई उष्ट पुष्ट में थे। मैं वैसे मेरे उठ नहीं रहे थे, एक हाथ से मैं बैंड के करिया को पकड़ के उठाता था, एक नार लगा के उठाता था। अच्छा। मेरा भी पैर फट गया। हाँ तो उस समय तक आपके पास कोई नहीं आया? तब तो मैं 7-8-9-9-9-9-10 लगा लेता, तब तो मेरे पास कोई नहीं था, वो कंडक्टर भी भाग चुका था। अच्छा, कंडक्टर बस का वहाँ से निकल गया? हाँ। अच्छा, वो बस के पास रुका नहीं? मतलब मैंने तो देखा नहीं, मतलब मैं तो बस में आ गया ना। अच्छा। वो मैं झोला मैंने बाहर ही बस थोड़ा पानी में घुसा मैं, तब मैं ऊपर चला बस से साठ से। क्या किस तरीके से पुलिस को? मैंने उसे को कंडक्टर के पास मतलब फोन बोला था, मैं तो कंडक्टर हूँ, मेरे को पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है। मैंने मुझे बोला कंडक्टर, मैंने भैया आपके पापा के पास फोन है? फोन तो मेरे पास है। मैं देखा तो उस फोन तो मतलब था, मैंने उसके फोन लॉक खुलवा के फ़ोन किया 16 नंबर पे। सबसे पहले तो मैं 16 नंबर फ़ोन किया। अच्छा, पुलिस कितनी देर में आई थी लगभग? पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आई है। तो मतलब मैं लगा सभी जिन जिन लोगों को हम निकाल चुके थे, उन लोगों को निकाल चुके थे पुलिस, मतलब सभी लोगों ने फिर तो मरी हुई डेड बॉडी लगा ली उसमें से। हाँ। अच्छा, आप पूरे समय रहे रात तक वहाँ पे? हाँ, मैं माँ से कम कम माँ सुबह उस टाइम से मैं लगभग 3 बजे वहीं पर रहा। दूसरे दिन 3 बजे तक आप? या मैं शाम 3 बजे तक बोला, मैं लेट करने जा रहा था, मैं लेट करने नहीं गया, मैं मतलब दूसरे दिन भी लेट करने नहीं गया, कुछ खाया ही नहीं मैंने। अच्छा, आप जब घर गए होंगे तो शायद आपको भी भूख लग रही होगी, तो किस तरह का कोई मन में ऐसा दिख रहा था या चित्र उसी तरह का दिखाई दे रहा था कि कोई चीख पुकार मच रही थी वहाँ पे, आपको कोई बुला रहा है इस तरीके से आप जब खाना खाने बैठे? सर मैंने उस दिन तो खाना नहीं खाया, दूसरे दिन में शाम को भी खाना खाया मैंने। हाँ। मतलब भूख तो नहीं थी, थोड़ा कम दिमाग में वही रील घूम रही थी, वही भयंकर वाली। नींद भी नहीं आ रही थी? नहीं, नहीं आई थी, दो रात में सोया भी नहीं था। दो रात तक नहीं सोया? नहीं, नहीं सोया हूँ। अच्छा, क्या फील हो रहा था पूरे? फिर मैं उसके बाद में दो रात के बाद में मैं दिन में शाम को नींद की गोली लेके आया। अच्छा, नींद की गोली लेके तब मैं सोया था। हाँ, तब तक नींद नहीं आ रही थी आपके? क्या चित्र चल रहे थे? मतलब वही विचार थे, मतलब भयंकर रूप, मतलब आशा चीख पुकार बचाने के लिए वार लगा रहे हैं, मतलब हाँ बचाओ चिल्ला आवाज आ रही थी। आप भी थे वो उस समय? मैं भी बताया इनके मेरे भाई रामपाल सिंह वगैरह मेरा नाम, इनका निहाल का छोटा बड़ा भाई हूँ मैं, और निहाल जी ने फ़ोन किया तो मैं तुरंत पहुँचा भागता हुआ। पहुँचा तो देखा निहाल सिंह बहुत बुरी हालत में लगा हुआ था, पानी से आदमियों को निकालने में, तो मैं भी उनके साथ जुट गया कि भैया निकलवाओ इनको, बाहर निकलवाओ क्योंकि ये इनकी जान जा रही है। फिर एक इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, पानी से बाहर फेंका उनको, और फिर 10-12 लोगों को पानी से बाहर निकालने के बाद में फिर अंदर भी बस में लोग चिल्ला रहे थे मुझे बचा लो भैया, कैसे भी मुझे बचा लो। फिर पत्थर से और डंडे से सीसा तोड़ के फिर अतका अंदर से हाथ पकड़ पकड़ के खींचा। लोग थे आप लोगों? हम 4-5 लोग थे। 4-5 हो गए थे फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, तब तक पुलिस नहीं पहुँची थी, और हम ये भी सोच पाए थे कौन हमारे साथ आ गया, और ये भी पता चलने पर आ रहा है उनके बचाने में जुटे हुए थे, इसको पकड़ो बाहर खींचो, इसको निकालो बाहर खींचो, बढ़ते जा रहे थे लोग, गांव वाले भी बढ़ते जा रहे थे, और निकालने वाले की आवाज़ भी बहुत कम होती जा रही थी, भैया हमको बचा लो कैसे भी, भैया हमारे प्राण निकल रहे हैं बचा लो कैसे भी, किसी का हाथ कट रहा था, किसी का पैर कट रहा था, और निकालो करके आवाज़ आते, बहुत बुरा हालत था। उस जगह पर जाने में अब भी हमको डर लगता है, और अब भी वहाँ पर कानों में आवाज़ जैसी गूंजती है जैसे कि कोई बचाओ की आवाज़ आ रही है। इससे पहले भी हादसा हो चुका था, पहले 50 लोगों को बचाया वहाँ पर, बच्चों को, ये हिमाचल वाली बस पलटी थी उसमें भी निहाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा, निहाल सिंह ने उन सबसे पहले जाके वहाँ पर भी उन लोगों को बचाया और सीसा तोड़ के बच्चे निकाले थे। आप लोग भी शामिल रहे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। जब हम रेस घर से रेस के लिए जा रहे थे सोनपाल, और मेरा नाम प्रताप सिंह, तो एकदम आवाज़ हुई बड़ी तेज, हमने कहा कुछ हुआ है एक साथ, फिर हम वहाँ पर गए और हमारे ये निहाल सिंह हमारे अंकल जी हैं वहाँ पर मौके पर थे, निकाल रहे थे वहाँ से, तो हम भी उसमें जुट गए निकालने में। और कितनी देर बाद लगभग पहुँचे? मैं लगभग आज 15-20 मिनट में पहुँचाऊँगा लगभग। हाँ, आप भी शामिल? क्या नाम है? 8 मिनट बाद पहुँचाऊँ। मेरा नाम शिवराम सिंह बघेल है। इसने निहाल सिंह ने मेरे बाद खुद फ़ोन किया था। अच्छा, भाई हैं आप इनके? ये मेरा भतीजा, मैं इसका अंकल हूँ, चाचा है। कैसी घटना थी सुन के, किस तरीके से आप पास? तो इसने फ़ोन किया आध घंटे बाद, करेक्ट, आध जब डीएम साहब 6:15 बजे पहुँचे हैं, उसके आध घंटे पहले मैं पहुँचा हूँ,
उससे पहले इसने जिसे जो जिंदे आदमी थे वो इसने पहले निकाल लिए थे। अच्छा। इसने पहले निकाल लिए थे, जो मरे हुए आदमी थे वो उसने मेरे भाई ने, रिंकू है, रमेश है, निहाल सिंह है, रामपाल है, गणेशी है, इन्होंने सारे सभी लोगों ने मदद करके, ये प्रताप सिंह बता रहे हैं, ये लोग भी सारे लोग थे, यानी बघेल समाज के ठारे सारे लोग। आप भी थे शामिल उसमें? कितनी देर बाद लगभग? मैं तो करीब 5 बजे पहुँचा, 4:45 बजे करीब पहुँचा वहाँ पर था। तब तो निहाल सिंह वहाँ बहुत से लोगों को निकाल चुका था, और भैया हैं, रामपाल भैया हैं, प्रेमपाल भैया हैं, ये भी थे, और जो और भी गांव के आ चुके हैं 2-3 जन। कितनी दर्दनाक लग रही थी उस समय जब आपने चित्र देखा वहाँ पे, लोग चिल्ला रहे थे, जब चित्र देखा था, जब सुना था ना बस पंडित की, तभी बहुत ही भयंकर घटना लगी थी, दर्दनाक। तो पता नहीं कितनी सब बात सब लग रहा था, पूरी बस डूबी थी, नेक दिख रही थी, बस पूरी उल्टी पड़ी थी वहाँ पर, तो देख लग रहा था सारा बस में कोई बचा भी नहीं होगा। लेकिन तो न्यान सिंह निकाल चुके थे, वो एम्बुलेंस फ़ोन भी किया तो बुला लिया, और लाद भी दिए थे रामपाल भैया और न्यान सिंह है, तो इन्होंने कहा भी बस बुला दी, बाकी बाद में पहुंचा था, मैंने भी लदवाई थी, और फोर्स भी आ गया था, फोर्स भी लदवा रहा, मदद कर रहा था, हमारे यहाँ टोल पर भी आदमी आ गए, वो भी मदद कर रहे थे। सादा ड्रेस में था, मेरे को पता नहीं कौन है, लेकिन वो मतलब आधे घंटे बाद आ जाता वो। तो आप देख रहे हैं कि पूरी घटना से आपने पूरी घटना को बताया, जिस तरीके की वहाँ पे जो एक दर्दनाक घटना हुई, बस के अंदर चीख पुकार मची हुई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे, शीशा तोड़ के, सरिया तोड़ के, बस के खिड़कियों को तोड़ के निहाल सिंह ने, और पूरे गांव के जो उनके भाई भतीजे हैं उनको फ़ोन करके इन्होंने बुलाया, काफ़ी देर बाद वो लोग पहुँचे, लेकिन काफ़ी जाने तब तक निहाल सिंह बघेल बचा चुके थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से बहादुरी का कार्य, जिस तरीके से लोगों को बचाने का कार्य, लोगों के जीवन को बचाने का कार्य निहाल सिंह ने किया है, उनकी टीम पूरे उनके लोगों ने किया है, उनके सगे संबंधियों ने किया है, आखिर सरकार का रुख क्या होगा? कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा, प्रवेश प्रारंभ। आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।